नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। मूवी स्टार में आप सबका स्वागत है। शाहिद कपूर की मूवी को आज 9 दिन पूरे हो चुके हैं और जानते हैं इस मूवी ने अपने 9 दिनों के अंदर बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया और यह मूवी वर्ल्ड वाइड पर इस मूवी ने अभी तक कितना कलेक्शन कर लिया है। और फिलहाल में आयुष्मान खुराना की मूवी आर्टिकल 15 रिलीज हो चुकी है और देखते हैं इस मूवी ने अपने 2 दिनों के अंदर बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कितना कलेक्शन किया है। वो आयुष्मान की मूवी पर काफ़ी विरोध दिखता नज़र आ रहा है क्योंकि यह मूवी जाति भेदभाव के ऊपर बनाई गई है और यह मूवी पर काफ़ी प्रॉब्लम दिखती नज़र आ रही है। और देखते हैं इन दो मूवी में कौन सी मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा पाती है। कबीर सिंह की मूवी ने अपने पहले दिन में 20 करोड़ 21 लाख रुपए की कमाई कर चुकी है और अपने दूसरे ही दिन में इस मूवी ने 22 करोड़ 71 लाख रुपए कमाई कर ली है और अपने तीसरे ही दिन में इस मूवी ने 27 करोड़ 91 लाख रुपए बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर लिया है और अपने चौथे ही दिन में इस मूवी ने 17 करोड़ 54 लाख रुपए बॉक्स ऑफिस पर कमा चुकी है। और अब हम देखते हैं इस मूवी ने अपने 4 दिनों के अंदर बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया। 88 करोड़ 37 लाख रुपए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 4 दिनों के अंदर कमाल कर लिया है और इस मूवी ने अपने 6वें दिन 16 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है और 7वें दिन इस मूवी ने 13 करोड़ 61 लाख रुपए बॉक्स ऑफिस पर कमा चुकी है और अपने 8वें दिन में इस मूवी ने 10 करोड़ का आंकड़ा पार किया है और इस मूवी ने अपने 9वें दिन में 12 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है और इस मूवी का टोटल कलेक्शन हो चुका है 150 करोड़ प्लस। कहा जा रहा है यह कुछ ही दिनों में 200 करोड़ रुपए से ऊपर कमाई करती दिख रही है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कई मूवी को पीछे छोड़ दिया, जैसे कि सलमान खान की मूवी भारत को भी पीछे छोड़ दिया और अक्षय कुमार की मूवी केसरी को भी पीछे छोड़ दिया और इसके साथ साथ अजय देवगन सर की मूवी दे दे प्यार दे को भी पीछे छोड़ दिया है और इस मूवी का टोटल कलेक्शन बताया जा रहा है 85 करोड़ रुपये। कबीर सिंह का मूवी का बजट है और इस मूवी ने अपने 4 दिनों के अंदर ही अपने 85 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। अब हम देखते हैं इसके मुकाबले आयुष्मान खुराना की मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 2 दिनों के अंदर कितना कलेक्शन कर लिया है। आयुष्मान खुराना की मूवी ने अपने पहले दिन में 4.5 करोड़ रुपये बॉक्स ऑफिस पर कमा चुकी है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के अनुसार इस मूवी ने 5 करोड़ रुपये कमा चुकी है और दिखता नज़र आ रहा है कि कबीर सिंह और आर्टिकल 15 के सामने बिल्कुल टिक नहीं पा रही है और कहा जा रहा है यह मूवी काफ़ी फ्लॉप नज़र आती जा रही है। वो आयुष्मान खुराना की मूवी इससे पहले भी काफ़ी रिलीज हो चुकी है लेकिन इस मूवी को लेकर आयुष्मान के काफ़ी विरोध दिखता नज़र आ रहा है। और हमारे आपको यह चीज़ कैसी लगी और कमेंट में जरूर बताइए। दोनों मूवी में से कौन सी मूवी आपको अच्छी लगी कमेंट में जरूर लिखिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें।